नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पे। मैं अशोक कुमार खड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक्सरे के नीचे एक खबर, खबर पुरानी है लेकिन उसका फॉलोअप एक्सरे के थ्रू देखता हूं तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। खबर है अयोध्या में राम मंदिर के परिसर में साफ सफाई करने वाली एक दलित छात्रा के साथ सामूहिक व्यभिचार हुआ, देश में हंगामा मच गया। कुछ दिन हंगामा मच गया मतलब सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम चैनल चुप रहे क्योंकि मामला अयोध्या का था, बीजेपी शासित राज्यों का था और लड़की दलित थी। सवर्ण होती तो बात अलग होता और व्यभिचार करने वाला मुस्लिम होता तो फिर टीआरपी की खबर थी, तो फिर इज्जत लूटी थी। यदि किसी हिंदू ने किसी दलित लड़की की इज्जत लूटी तो फिर इज्जत लूटती नहीं जाती। और दलितों का शायद, दलितों पे किया हुआ एहसान है शायद, ये लोग चैनल वाले ऐसे मानते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा मानता हो, लेकिन न्यूज लॉन्चर पे हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज को शब्द दिए हैं। जब ये मामला उठा तो उसके बाद जो फॉलोअप केस आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। इस लड़की के साथ एक ने दोस्ती की, उसको साथ में लेके गया, उसके साथ मुंह काला किया, उसकी इज्जत लूटी, साथ में दोस्तों से भी इज्जत लुटवाई, उसका वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करके अलग अलग जगह ले जाके लगातार उसकी इज्जत लूटता रहा। हार कर उसने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस वालों ने उसके कंप्लेंट को ऑर्डिनरी कंप्लेंट बना के अप्लीकेशन जो थी, शिकायत जो उसने की उसको एक अप्लीकेशन समझ के, एक अर्जी समझ के ट्रीट किया। वो लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, कोई सुनवाई नहीं होती रही। सोशल मीडिया में बात आने के बाद सुनवाई हुई, 9 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज, एफआईआर दर्ज हुई। अब 9 लोगों में, इसी के बीच में 9 लोगों पे एफआईआर दर्ज होने के पहले पुलिस डिपार्टमेंट, वो लड़की ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी उस लड़की को पैसा ले देके मामला रफा दफा करने की बात कर रहे थे, यानी व्यभिचारियों के साथ पुलिस पूरी ताकत और मुस्तैदी से जुड़ी हुई थी। अयोध्या का मामला है, कम से कम राम की जगह पे तो छोड़ देते, अयोध्या में तो व्यभिचारी करने वालों के साथ सही ढंग से पेश आते हैं कि अयोध्या में, मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे राम तो अयोध्या में है ही नहीं, जिसमें आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो वो राम क्यों रहेंगे, जहां जमीनों का घोटाला हुआ हो, जहां भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला हो, वहां राम क्यों रहेंगे। उनके बने हुए मंदिर में पहले ही बरसात में पानी टपकने लगता है, राम क्यों रहेंगे। अयोध्या विकास के नाम से बने हुए रोड पहले ही बरसात में उखड़ जाते हैं, राम क्यों रहेंगे। लेकिन राम का नाम तो कम से कम ये लोग बेच रहे हैं और पूरा देश जो राम के प्रति समर्पित है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो तो आज भी अयोध्या जाके अपने आप को कृतकृत समझते हैं, अयोध्या गए शायद पाप मुक्त हो जाएंगे। उस अयोध्या में रावण पलते हैं और फिर पुलिस के भेष में भी रावण होते हैं, आज दिखाई दिया। वो लड़की दलित, वो क्यों पुलिसों पे आरोप लगाएगी, क्यों पुलिस ने कहा कि पैसा लेके केस रफा दफा कर दो। जब घर वाले नहीं माने, जब ज्यादा प्रेशर हो गया तो फिर पुलिस ने केस दर्ज किया। 9 में से 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी फरार है। उनमें एक जो नाम सामने आया वो और शॉकिंग है और वो नाम है नयन कमल चौधरी, मुख्य आरोपी। अब नयन चमल कमल चौधरी कौन है? नयन कमल चौधरी के फेसबुक पे अभी तक ये लिखा था कि वो करियप्पा मंडल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, लेकिन
अब वो हट गया। लेकिन नयन कमल चौधरी के पिता कमल चौधरी अयोध्या महानगर के करियप्पा मंडल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हुआ करते थे। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। ये कांड बाहर आने के बाद व्यभिचार का दलित लड़की के साथ बहुत लिपापोती करने की प्रयास किया गया। खबर यह भी है कि जो अयोध्या के एसएसपी है राजकिरण नैयर, उनसे मिलने नयन कमल चौधरी कुछ नेताओं के साथ गया था। कितने हौसले बुलंद है, आरोपी पहले व्यभिचार करता है और फिर पुलिस से मिलने जाता है। लेकिन शायद मामला सोशल मीडिया में बढ़ते देख पुलिस ने हाथ खींच लिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले में मेनस्ट्रीम मीडिया चुप है, भाजपा के नेताओं को साफ सुन गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की घोषणा देने वाले भाजपाई असल में बेटी पढ़ाओ और बेटी परोस हो इन नराधमों के सामने, क्या ये नारा तो नहीं? प्रयागराज में भी यही हुआ, अलाहाबाद में भी यही हुआ। अलाहाबाद में आईआईटी की छात्रा के साथ मुंह काला करने वाले वो व्याभिचारी और कोई नहीं तो बीजेपी के आईटी सेल के ही लोग निकले। क्या सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां दलितों की लड़कियां, दलितों की इज्जत सिर्फ सवर्णों को लूटने के लिए है, यह सवाल है। आज भी दलित घोड़े पे बारात निकाल नहीं सकता। दलित लड़की नदी में पानी पीती है तो पीटी जाती है क्योंकि उसने नदी में मुंह कैसा लगाया। यदि दलितों की स्थिति ऐसी है तो फिर वो राम राज्य कहां, और योगी आदित्यनाथ किस बुलडोजर की बात करते हैं? चंद मुस्लिम डॉन को और माफिया को खत्म करने से आप हिंदुत्व के आइकॉन होंगे या फिर राम जैसी स्त्रियों के इज्जत पे हाथ डालने वालों को छलनी करोगे? सवाल यह है। यह सवाल संघ के हिंदुत्व पे, यह सवाल योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पे, यह सवाल नरेंद्र मोदी के युग पुरुष होने पे, यह सवाल 56 इंच के उस सीने पे, क्या उसमें कोई दिल नहीं जो दलित बहनों के लिए भी पसीजे? एक किसी दलित को आप राष्ट्रपति बनाकर पूरे दलित समाज की लड़कियों को भोज नहीं बना सकते। और यही बात यदि किसी विपक्ष के राज्य में होती, विपक्ष शासित राज्य में होती, तो आज सारा बीजेपी पूरे देश में आंदोलन कर रहा होता, इस्तीफा मांग रहा होता। भाजपा में ये नराधम कहां से आ गए? संघ की शाखा से तो नहीं आ सकते क्योंकि संघ ये तो नहीं सिखाता। और यदि ये बाहर से आए हैं तो इसको लाया कौन है? ये भाजपा की वॉशिंग मशीन कब बंद होगी? कि यह सत्ता का इतना मद है कि हम सत्ता में हैं तो दलित की महिलाएं हमारे घर की शोभा है, या शोभा तो भी गलत शब्द यूज किया मैंने, हमारे कुंठा की और शारीरिक सुख की साधन है, क्या ये माने? जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे नीचे बहुत गंदगी दिखती है। और आज भी जैसा अलाहाबाद में वो व्याभिचार करने वाले लड़कियों के साथ उनकी जमानत हुई तो उनको बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत हुआ, मानो लड़की का, अकेली लड़की का, दो लड़के मिलकर यदि शारीरिक शोषण करें तो उससे बड़ा बहादुरी का काम नहीं। यदि लड़कियों का शारीरिक शोषण करना ही बहादुरी है तो हम किस युग के तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हमें राम का नाम देने का अधिकार है? सवाल यह है। कई बार खबरें ऐसी आती है एक्सरे से देखने के बाद, बहुत क्लियरिटी से जब बहुत देर तक देता हूं तो फिर आगे धुंधला दिखता है क्योंकि फिर आंखों में पानी होता है। मैं खबर सुनाता जरूर हूं, विश्लेषण करता हूं, लेकिन इंसान हूं, अपनी भी बहु बेटियां हैं, दलित परिवार के
जगह अपने आप को देखता हूं तो असहाय पाता हूं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।